मासी बहुत अमीर है जो नींबू पा रही है, जो आज दे टाइम पे बड़ा शॉर्टेज है। देख लो भाई, नींबू डाल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, आज मारेंगे लेग्स डे। आज हमारा लेग्स डे है और ये प्रैक्टिस कर करके देखते हैं किस तरीके से कैसे बनता है। सेकेंड ब्लॉग है, वैसे देखते रहते सब लोग, तो इस चक्कर में थोड़ा ऐसे लग रहा मेरे को। तो जिम में देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। आज लेग्स डे है, कॉफ़ी पी ली है और चलो देखते हैं। तो अभी हम जिम पहुँच रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखते किस तरीके से। आज हो गया कुछ 6:30 बज रहे हैं और क्योंकि ये टाइम पे थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, धूप कम होती है, तो चलो मैं बोला लेग्स डे करते हैं। और फिर उस हिसाब से तो मैंने अभी सोचा कि लेग्स डे करेंगे, विश शोल्डर और लेग्स है। हमारी जिम आ गई, अभी पानी भर के अंदर घुसेंगे, फिर देखते हैं। तो लकीली अभी म्यूजिक बन रहा है जिम में और आज हम करेंगे शोल्डर और लेग्स। शोल्डर की 4 एक्सरसाइज और लेग्स की 5, और देखते हैं किस तरीके से कितना वेट उठाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप हो गया, अभी नॉर्मल एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके बाद लेग्स, क्योंकि पहले लेग्स कर लिए तो फिर शोल्डर के लिए दम नहीं बचेगा। शोल्डर की पहले 3 एक्सरसाइज करेंगे, फिर जो शोल्डर बेंच प्रेस है वो बाद में जाएंगे और उसके बाद लेग्स का चालू होता है। अभी चालू करते हैं लैटरल लैटरल रेसेस एंड फ्रंट प्रेस से। ये भाई ने हमारा ब्लॉग देखा, कैसा लगा भाई? बढ़िया लगा, काफी वजन सही लगा। इस ब्लॉग में तुम भी आओगे, देख लेना, फॉलो कर लेना। भाई लोग जिम कर रहे हैं। तो अभी शोल्डर के 3 सेट हो गए, 3 एक्सरसाइज हो गई है, 3 सेट नहीं, चेस्ट का शेप दिख रहा अच्छा। तो अभी उसके बाद क्या करना है, चलो लेग्स मारेंगे। लेग्स के बाद देखते हैं कितनी जान बची है, उस हिसाब से हम फिर शोल्डर या तो प्रेस ले लेंगे या तो डंबल्स ले लेंगे। अभी वार्म अप सेट है, वार्म अप के बाद ओरिजिनल मारते हैं, देखते हैं। तो ये वार्म अप सेट था, लाइट यहाँ पे आ रही है। हाँ, ये वार्म अप सेट है, इसके बाद एक और मारेंगे, फिर ओरिजिनल सेट करेंगे। ਕੰਡੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਲੈਂਦੇ ਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਡਰ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਗਾ।
ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਘਟਿਆ ਚਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਘਟਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚ ਪੁਲੀਸ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸਾ ਫੇਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਫੇਕੀ ਖੇਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚ ਪੁਲੀਸ ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸਾ ਫੇਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਫੇਕੀ ਖੇਚ ਚੱਲਦਾ ਏ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਨਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੱਲਦਾ ਏ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਭੀ ਲੈਗ ਟੈਸਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲਾ ਲਾਸਟ ਸੈੱਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਮ ਐਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਤੀ ਕਭੀ ਕਭੀ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਜਿਮ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਭੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਡੀ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆਲੋ ਗੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੰਡੀਆਂ ਪਟਾਉਣੀ ਲੰਡੀ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆਲੋ ਗੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੰਡੀਆਂ ਪਟਾਉਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਬੈਕ ਸੋਨੂ ਵੈਂਸ वर्कआउट हमारा हो चुका है और अभी घर के तरफ वर्कआउट अच्छा हुआ है तो साड़ी मासी ने वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट वास्ते बेल बना के देती है और साड़ी मासी बहुत अमीर है जो नींबू पा रही है जो आधे टाइम पे बड़ा शॉर्टेज है देख लो भाई नींबू डाल रहे हैं यहाँ पे और इतनी काल मची पड़ी है पर मासी हमारी को टेंशन नहीं है कि भाई एक नींबू भतीजे के लिए बहन का भाई का भी हमारे रिलेशन काफी हैं और ये हमारी हबीब ये यार